हेलो, वेलकम बैक एवरीवन ऑन इंग्लिश जोन। एंड आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे विलियम शेक्सपियर एंड इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड। हमारा ये इस वीडियो का पार्ट सेकंड। इसी टॉपिक से रिलेटेड हमने आपसे फर्स्ट पार्ट डिस्कस कर लिया है, जिसमें 100 क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए थे विलियम शेक्सपियर के लिटरेरी करियर एंड उनके लाइफ से रिलेटेड, पर्सनल लाइफ से रिलेटेड। तो ये हमारा जो वीडियो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके यूपी टीजीटी पीजीटी इंग्लिश एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू में रखते हुए। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने इंक्लूड करा हुआ है और विलियम शेक्सपियर आपके यूपी टीजीटी और यूपी पीजीटी दोनों के सिलेबस में आपके पूछे जाएंगे एज अ क्वेश्चंस। ठीक है, तो आज का हमारा जो वीडियो है ये पार्ट सेकंड है। आपको लिंक फर्स्ट पार्ट का वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके साथ साथ आई बटन पे मिल जाएगा, आप वहां से फर्स्ट पार्ट को चेकआउट कर सकते हो। जल्दी से वीडियो का लिंक शेयर कर दीजिए, जैसा मैं हर बारी बोलती हूँ, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, अपने जो भी व्हाट्सएप, फेसबुक और टेलीग्राम पे जो भी ग्रुप्स ज्वाइन कर रखे हैं, उन सभी जगह पे आप अपने इस लिंक को, इस वीडियो के लिंक को शेयर करो और ज्यादा से ज्यादा लोग आज हमें इस सेशन पे जुड़िए और अपना खुद आप एक एनालिसिस करो कितने क्वेश्चंस आपके करेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि विलियम शेक्सपियर को आपने अब तक जितनी प्रिपरेशन करनी थी उतना आपने पढ़ लिया है। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि कितने क्वेश्चंस आपने करेक्टली अटेम्प्ट किया हुआ है। 1 से लेकर के 100 क्वेश्चंस तक डिस्कस किया था फर्स्ट वीडियो में। इसमें हम डिस्कस करेंगे 101 क्वेश्चन से लेकर के अप्रॉक्स 200 क्वेश्चन तक। ठीक है, मतलब 100 क्वेश्चंस आपको फिर से इस वीडियो में आपको मिलेगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा है, द मूर ऑफ वेनिस इज द सबटाइटल ऑफ व्हिच वन ऑफ शेक्सपियर्स ट्रेजेडी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका जल्दी से आंसर आप दे दीजिए कमेंट सेक्शन में और चैट बॉक्स में। सबटाइटल जिसको द मूर ऑफ वेनिस के नाम से हम जानते हैं, उसका ओरिजिनल प्ले कौन सा है, ओरिजिनल टाइटल कौन सा है शेक्सपियर की उस ट्रेजेडी का, आपको नेम बताना है। शंबलाइन, हैमलेट, ओथेलो या कोरियोलेनस। जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी, ओथेलो। ओथेलो जो मूर ऑफ वेनिस इज द नेम, मेन कैरेक्टर ओथेलो, ये प्ले का नेम है, ट्रेजिक प्ले है विलियम शेक्सपियर का। और ओथेलो जो कैरेक्टर था, जो लीडिंग हीरो है इस प्ले का, ही इज द मूर ऑफ वेनिस। नंबर 102 क्वेश्चन है, विच इपोनिमस कैरेक्टर फ्रॉम शेक्सपियर प्ले हैव सर नेम्स मॉन्टेग्यू एंड कॉपुलेट। ये आपको बताना है कि किस प्ले में जो कैरेक्टर है उनको शेक्सपियर के उनका सर नेम जो है वो मॉन्टेग्यू एंड कॉपुलेट है। वेनस एंड एडेनस, एंटोनियो एंड क्लियोपेट्रा, रोमियो जूलियट या नन। और 102nd का जो हमारा करेक्ट आंसर है वो भी हमारा है ऑप्शन सी, रोमियो और जूलियट। में इस दो कैरेक्टर के जो नेम है उनका सरनेम जो होता है, एनिमस कैरेक्टर्स होते हैं, मॉन्टेग एंड कॉपुलेट। नेक्स्ट है नंबर 3 क्वेश्चन, विच वन ऑफ शेक्सपियर्स प्ले इज रेफर टू बाय एक्टर एज द स्कॉटिश प्ले। स्कॉटिश प्ले किस विलियम शेक्सपियर के प्ले को रेफर किया जाता है उसके एक्टर्स के थ्रू, आपको बताना है। कैरियोलेनस है ये, या आपका विंटर्स टेल है, मैकबेथ है, या एज यू लाइक इट। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका भी आंसर जो हमारा है वो ऑप्शन सी है, क्योंकि ये स्कॉटिश प्ले मैकबेथ है, स्कॉटलैंड की जो सेटिंग है उस पे बेस्ड ऑन ये प्ले है विलियम शेक्सपियर का, जिसको हम जानते हैं मैकबेथ के नेम से। नंबर 104 क्वेश्चन है, शेक्सपियर रोट अ प्ले अबाउट टू जेंटलमैन फ्रॉम विच इटालियन सिटी। ठीक है, आपको बताना है, इस प्ले का पूरा टाइटल भी वही है, इसका आंसर जल्दी से दे दीजिए इस कमेंट सेक्शन में। बताना है शेक्सपियर के उस प्ले का नाम जिसमें दो जेंटलमैन हैं जो कि इटली के उस सिटी से आते हैं जिसमें इस प्ले का उस नेम पड़ा है, टाइटल पड़ा है, आपको उसका आंसर देना है, वेरोना, नेपल्स, रोम या वेनिस। और जो करेक्ट आंसर है वो हमारा है ऑप्शन ए, वेरोना। और प्ले का जो नेम है टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, ये पूरा टाइटल है द टू जेंटलमैन ऑफ, मैं मेंशन कर देती हूँ, ऑफ वेरोना। ठीक है, ये पूरा टाइटल है इस प्ले का। एंड नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 5 है, 105, द कैरेक्टर ऑफ हार्निया अपीयर्स इन। हार्निया का कैरेक्टराइजेशन किस प्ले में मिलता है विलियम शेक्सपियर के, इसका आंसर देना है आपको, मिडसमर नाइट्स ड्रीम, किंग लियर, हैमलेट या सिम्बलाइन। और जो करेक्ट आंसर है 105 का वो है हमारा ऑप्शन बी, ऑप्शन ए, अमिट समर नाइट्स ड्रीम। अमिट समर नाइट्स ड्रीम में हार्निया जो कैरेक्टर है उनका कैरेक्टराइजेशन मिलता है। फ्रेंड्स, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और शेयर भी कर दो, और जो लोग अभी इस चैनल पे जुड़ रहे हैं इस वीडियो के थ्रू, तो आप न्यू व्यूअर्स हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन बेल आइकन आप सभी प्रेस कर लीजिए, जो भी सब्सक्राइब किया हुआ है जिन्होंने अपना चैनल इस चैनल को, और जिन्होंने नहीं किया वो भी प्रेस
बेल आइकन जरूर आप लोग प्रेस कर लीजिए, क्योंकि बार बार मुझे यही आता है सुनने में कि नोटिफिकेशन नहीं आता है जो भी वीडियो अपलोड होती है इस पे। तो जब आप नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करे रखोगे, ऑल नोटिफिकेशंस पे आपने क्लिक किया होगा, तो आपके पास जरूर नोटिफिकेशन जाएगा जब भी वीडियो अपलोड होगा इस चैनल पे। तो नंबर 106 क्वेश्चन है हमारा स्क्रीन पे, हु सेज फ्रेलिटी डाई नेम इज वुमन। तो इसका आंसर है हैमलेट टू हिमसेल्फ, हैमलेट टू जर्ट्रूड, वोएला टू ओबिलिया या नन। और 106 का जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन। और देखिए यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये जरूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये जो स्पीच है, ये कोटेशन है, ये हैमलेट का कोटेशन है, और ये सोलिलोक्वी है हैमलेट की, जो फर्स्ट सोलिलोक्वी है हैमलेट की, हैमलेट प्ले में, वो है फ्रेलिटी डाई नेम इज वुमन। तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि सोलिलोक्वी जो है वो हैमलेट ने खुद से बोला है ये कोटेशन इस प्ले में। ठीक है, 106 का ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा, जबकि उसकी मदर का नेम होता है जर्ट्रूड। ये जर्ट्रूड से नहीं बोलता है, उसके बारे में बोलता है ये कि फ्रेलिटी डाई नेम इज वुमन। नंबर 107 क्वेश्चन है, व्हेन सारो कम दे केम नॉट सिंगल स्पाइस बट इन बटालियन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पीच है, इसको मैं मेंशन कर दे रही हूँ। तो इसको बताना है कि कहाँ से ये, किसने बोला है कोटेशन जो है, आपको बताना है किंग क्लॉडियस है, हैमलेट है, जर्ट्रूड या फोरेसियो। बताया जा रहा है कि जब सौरो आता है, मींस जब दुख आता है, तो वो सिंगल नहीं आता, मींस अकेले नहीं आता, मींस दुखों का पहाड़ आता है, एक बटालियन मींस इतने पूरी झुंड या सेना आ जाती है। यहाँ पे इस कोटेशन का ये मतलब हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 6 का, 107 का जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए, ये किंग क्लॉडियस का स्पीच है। नंबर 7 के बाद नंबर 8 की बात कर लेते हैं, 108 की। और जो ये स्पीच था, ये एक्ट हैमलेट प्ले का स्पीच है, और एक्ट फोर्थ में, ठीक है, एक्ट फोर्थ एंड सीन फिफ्थ का ये कोटेशन है, ये इसमें परफॉर्म हुआ है, ये इसका मेंशन मिलता है हैमलेट प्ले के एक्ट फोर्थ सीन फिफ्थ में। ठीक है, और किंग क्लॉडियस की ये स्पीच है। नंबर 108 क्वेश्चन है, हु अडॉप्टेड द कैरेक्टर ऑफ सिजेरियो। सिजेरियो का कैरेक्टर किसने अडॉप्ट किया था, मींस इसमें डिस्गाइज हुआ था, आपको इसका आंसर देना है, क्लियोपेट्रा, वोएला, जर्ट्रूड या फोरेसियो। सिजेरियो को जो कैरेक्टराइजेशन मिलता है, या ये द 12th नाइट प्ले में मिलता है, आप सभी इसको जानते हो। और इसका जो कैरेक्टर था सिजेरियो का, इसको जो अडॉप्ट किया था या एक तरीके से डिस्गाइज किया था इस कैरेक्टर में, वो था वोएला का। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा 108 का, 12th नाइट प्ले से वोएला वाज द लीडिंग लेडी इन दिस प्ले। 109 क्वेश्चन है, हु सेज एज फ्लाइज टू वॉन्टन्स वॉयस आर वी टू द गॉड्स दे किल अस फॉर देयर स्पोर्ट। तो ये किसकी कोटेशन है, 109 क्वेश्चन है, ऑप्शन ए किंग लियर, ऑप्शन बी कॉर्डिलिया, ऑप्शन सी ओबिलिया या ग्लॉसेस्टर, ऑप्शन डी है। तो हमारा जो 109 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ग्लॉसेस्टर। ठीक है, ये कोटेशन है, एज फ्लाइज टू वॉन्टन। तो इस कोटेशन की मैं बात कर रही हूँ, एज फ्लाइज टू वॉन्टन बॉयज आर वी टू द गॉड दे किल अस फॉर देयर स्पोर्ट। एंड और ये जो कोटेशन है, ये ग्लॉसेस्टर का कोटेशन है, और किंग लियर प्ले से ये लिया गया है। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। नंबर 110 क्वेश्चन, अ हॉर्स माई किंगडम फॉर अ हॉर्स इज कोट फ्रॉम। ये कहाँ से लिया गया है कोटेशन, अ हॉर्स माई किंगडम फॉर अ हॉर्स। मैरी वाइस ऑफ विंडसर का है, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, किंग रिचर्ड सेकेंड, थर्ड या एज यू लाइक इट। 110 का जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी, किंग
रिचर्ड थर्ड. दिस इज द क्रॉनिकल प्ले, हिस्टोरिकल प्ले है विलियम शेक्सपियर का, और ये कोटेशन इसी प्ले से लिया गया है. फ्रेंड्स कोटेशन जरूर ध्यान दीजिएगा आप, जो भी इंपॉर्टेंट स्पीच है प्लेस की विलियम शेक्सपियर ने जो लिखे हुए हैं उसको ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसी से आपके एग्जाम में आएंगे. ठीक है, तो कोटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द यूपी टीजीटी एंड पीजीटी एग्जाम्स. नंबर 111 क्वेश्चन है हमारा, मेन ऑफ फ्यू वर्ड्स आर द बेस्ट इज अ कोट फ्रॉम, कहां से ये कोटेशन लिया गया है, मेन ऑफ फ्यू वर्ड्स आर द बेस्ट, मेरी वाइफ्स ऑफ विंसर, किंग रिचर्ड थर्ड, मेजर फॉर मेजर या नन. 111 के करेक्ट आंसर की बात करें तो वो है हमारा मेरी वाइफ्स ऑफ विंसर प्ले से ये लिया गया है विलियम शेक्सपियर के. हु वॉज द घोस्ट इन हैमलेट, अब आपको इसका आंसर देना है, बहुत ईजी क्वेश्चन है. किंग लियर है, क्वीन ऑफ डेनमार्क है, किंग ऑफ डेनमार्क है या नन ऑफ दीज, कौन था घोस्ट इस प्ले में, हैमलेट प्ले में, आपको उसका आंसर देना है. एंड दैट वॉज किंग हैमलेट, मीन्स दैट वॉज किंग हैमलेट, जी बात हो रही है किंग ऑफ डेनमार्क की. ठीक है, किंग ऑफ डेनमार्क मीन्स हैमलेट के फादर वॉज द, हैमलेट्स फादर वॉज द घोस्ट इन द प्ले हैमलेट. नंबर 113 क्वेश्चन, ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट, यहाँ पे होता है विट होगा, विन नहीं होगा. ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट, इन विच प्ले दीज दिस लाइन appears या occur, and options है Hamlet, King Lear, Othello या Romeo and Juliet. तो option A हमारा correct answer है, that is the Hamlet. Place से ये quotation लिया गया है, brevity is the soul of wit. Number 114 question है, gap है पहले यहाँ पे option ये हमारा gap है यहाँ पे. इस Shakespeare's shortest play, Shakespeare का shortest play कौन सा है, आपको इसका answer बताना है. The Comedy of Errors, Julius Caesar, Hamlet या none of these. और जो answer है हमारा 114 का वो है option A. ठीक है, The Comedy of Errors is the correct answer. और जो longest play है that is Hamlet. Play Hamlet is the longest of William Shakespeare's play. Number 15 question, 115 की बात कर ले. Every mother breeds not son alike. This is a line from, जो ये है कैरिबियंस की लाइन है, एज यू लाइक इट, हैमलेट या टाइटस एंड्रोनिकस. 115 का जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी, टाइटस एंड एंड्रोनिकस की ये स्पीच है. इस प्ले में ये स्पीच को बोला गया है, एवरी मदर ब्रीड्स नॉट अ नॉट सन अलाइक. 116 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, प्रेजेंट फियर्स आर लेस देन हॉरिबल इमेजिनिंग, दिस लाइन अकर्स इन, किस लाइन, इस लाइन का अकरेंस किस प्ले में मिलता है या कहाँ पे ये लाइन अपीयर होती है. प्रेजेंट फियर्स आर लेस देन हॉरिबल इमेजिनिंग, तो करेक्ट जो आंसर है 116 का वो है हमारा ऑप्शन ए, मैकबेथ प्ले की ये इंपॉर्टेंट कोटेशन, इंपॉर्टेंट लाइन है. 117 क्वेश्चन, हु इज द टॉबी बेल्च इन द 12th नाइट, कौन है ये टॉबी बेल्च, का कैरेक्टराइजेशन 12th नाइट में मिलता है. लवर ऑफ ओलिविया, अंकल ऑफ ओलिविया, ब्रदर ऑफ ओलिविया या फादर ऑफ ओलिविया, तो करेक्ट जो आंसर है वो 117 का वो है हमारा ऑप्शन ए, दैट पर्सन वॉज द अंकल ऑफ ओलिविया. ओलिविया के अंकल होते हैं टॉबी वेल्च 12th नाइट प्ले में. नंबर 18 क्वेश्चन है स्क्रीन पे, व्हाट इज द नेम ऑफ सीजर्स वाइफ, सीजर्स की वाइफ का नेम बताना है, जो किंग जूलियस सीजर में किंग थे, लीडिंग कैरेक्टर सीजर, उनकी वाइफ का क्या नेम है, आपको उसको बताना है इस प्ले में. मारिया, कैलिफोर्निया, ओलिविया या पोर्शिया, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए ओलिविया एंड पोर्शिया आप जानते हो, पोर्शिया मर्चेंट ऑफ वेनिस, ओलिविया आपके 12th नाइट में है. मारिया एंड कैलिफोर्निया में आपको कंफ्यूजन हो सकता है, बट इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा है ऑप्शन बी, कैलिफोर्निया इज द वाइफ ऑफ जूलियस सीजर, बहुत ही फेमस कैरेक्टर है जूलियस सीजर प्ले से. नंबर 119 क्वेश्चन, डंकन वॉज द किंग ऑफ, डंकन कहाँ के किंग थे, इसका जल्दी से आप लोग आंसर दे दीजिए, मुझे बताना है, और कमेंट सेक्शन में आप जल्दी से इसके आंसर को मेंशन कर दीजिए. डंकन वॉज द किंग ऑफ स्कॉटलैंड, मारिया, डेनमार्क या हॉलैंड, तो करेक्ट आंसर जो है वो थे स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड के किंग थे डंकन, जिनको जाना जाता है किंग ऑफ स्कॉटलैंड के नेम से, और डेनमार्क जो थे, डेनमार्क के किंगडम थे किंग जो थे किंग हैमलेट, वॉज द फादर ऑफ हैमलेट, और हैमलेट प्ले में डेनमार्क की सेटिंग को डिस्क्राइब किया गया है, वहां पे सेटिंग प्ले को सेटिंग किया गया है उसके प्ले का. नंबर 20 क्वेश्चन है, 120, व्हाट इज द नेम ऑफ द किंग लियर्स यंगेस्ट डॉटर, यंगेस्ट डॉटर का नेम बताना है किंग लियर प्ले में, किंग लियर जो लीडिंग कैरेक्टर है उनकी जो सबसे छोटी बेटी होती है उनका नेम क्या है, कॉर्डिलिया, गॉन्ड्रेल,
किदा या चर्चयूड। तो करेक्ट आंसर जो है वो है हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, कॉर्डिलिया इज द यंगेस्ट डॉटर ऑफ द किंग लियर इन प्ले किंग लियर। And here we have the question number 21. Age cannot weather her, nor custom state her infinite variety. This is line about whom? Lady Macbeth, Gertrude, Desdemona, or Cleopatra? और बहुत ही important ये एक characterization है, एक lady figure को characterize करते हुए उसकी beauty में ये lines लिखी गई हैं, William Shakespeare ने लिखा हुआ है। और जो सबसे important है इस line को किसके बारे में कहा गया है वो है हमारा option D, correct answer. This was said about क्लियोपैट्रा, जो कि एंटोनियो एंड क्लियोपैट्रा में कैरेक्टराइजेशन है। इस प्ले से इसको, इसमें इनका लीडिंग लेडी है, डिस्क्रिप्शन मिलता है। एंटोनी क्लियोपैट्रा के बारे में ये स्पीच बोलते हैं, ये कोटेशन बोलते हैं उनकी ब्यूटी से रिलेटेड। 122nd क्वेश्चन वी हैव ऑन द स्क्रीन। व्हाट इज द नेम ऑफ द एंटोनी सॉर्ड? एंटोनी का जो सॉर्ड होता है एंटोनियो एंड क्लियोपैट्रा प्ले में, उसका नेम क्या है? फिलिपे, एक्टियम, एक्टिमैन, रोमुलस या नन? और 120, तो जो करेक्ट आंसर है इसका वो है ऑप्शन ए, फिलिपन। ठीक है, फिलिपन इज द नेम ऑफ द सॉर्ड ऑफ एंटोनी इन द प्ले एंटोनियो एंड क्लियोपैट्रा। नंबर 123rd इज व्हाट कैरेक्टर बिसाइड क्लियोपैट्रा डाइज बाय द बाइट ऑफ कार्नाडा? तो करेक्ट जो आंसर है इसका 123 का वो है हमारा ऑप्शन ए, शैंपेन। ठीक है, शैंपेन इज द करेक्ट आंसर। नंबर 124 इज शेक्सपियर सोनेट आर इन द फॉलोइंग फॉर्म। किस फॉर्म में शेक्सपियर ने अपने सोनेट्स को लिखा हुआ है, उसका जो स्टैंजा फॉर्म होता था वो क्या था? द करेक्ट आंसर इज ऑलवेज वी हैव द ऑप्शन ए, थ्री क्वाड्रेंट्स एंड अ कपलेट। ए बी ए बी, सी डी सी डी, ई एफ ई एफ एंड जी जी का इसका एक जो स्टैंजा फॉर्म हुआ करता था, ए बी ए बी, ये फोर लाइन्स की एक स्टैंजा हुआ करती थी, और सी डी सी डी ये सेकेंड स्टैंजा फोर लाइन्स का, ई एफ और ई एफ जो था ये दूसरा तीसरा स्टैंजा हुआ करता था, और जी जी जिसको क्लास में कपलेट में डिफाइन किया गया या एक्सप्लेन किया जाता था इनके 14 लाइन के सोनेट पोयम को। नंबर 125 है, द लैंग्वेज यूज बाय शेक्सपियर इन हिज ड्रामाज आर द मोस्ट पार्ट ऑफ, मोस्ट पार्ट इज जो लैंग्वेज शेक्सपियर अपने ड्रामाज में यूज करते थे अपने ड्रामाज को लिखते वक्त, वो कौन से लैंग्वेज यूज करते थे? पोएटिक प्रोज, ब्लैंक वर्ड्स, नैरेटिव प्रोज या ड्रामेटिक प्रोज? और 125 का जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी, ब्लैंक वर्ड्स में मैक्सिमम प्लेज शेक्सपियर ने अपने लिखे हुए हैं, और वो जो लैंग्वेज यूज करते थे ब्लैंक वर्ड्स में ही यूज करते थे जब भी वो प्लेज को लिखा करते थे। 126 क्वेश्चन है, अ लिटिल वाटर क्लियर्स अप clears us of the deed, who says and to whom? किसके लिए ये बोला हुआ है और किसने बोला है, इसका आंसर आपको देना है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 126 है, a little water clears us of the deed, who says and to whom? किसने बोला है ये? लेडी मैकबेथ टू मैकबेथ, मैकबेथ टू लेडी मैकबेथ, क्लियोपैट्रा टू एंटोनी, एंड वॉयला टू डी ड्यूक ओरिजिनो। तो करेक्ट जो आंसर है 126 का वो है हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, लेडी मैकबेथ मैकबेथ से कहती है मैकबेथ प्ले में ये कोटेशन, ये लाइंस, ये स्पीच। ठीक है, 126 के बाद 127 क्वेश्चन है, आई एम अ फूल टू वीप एट व्हाट आई एम स्लैड ऑफ, हु इज द स्पीकर? कौन है इसका स्पीकर आपको बताना है इस लाइन का, आई एम अ फूल टू वीप एट What I am slad of, and who is the speaker? Viola, Portia, Perdita या Miranda? 27 का जो correct answer है that is option D, Miranda की ये speech है। And act third और scene first का ये scene है Tempest play का, The Tempest. A little more than kin and the less than kind. Who says this lines, this quotation? Hamlet, Othello, Claudius, या none of these? और 128 का जो correct answer है that is said by Hamlet is the correct answer. Number 128 के बाद 29 question है, foul deeds will rise though all the earth overwhelm them to men eyes. Where do these lines appear? Tempest play में, Othello, Macbeth या हैमलेट या किंग लियर? और 129 जो है वो हमारा है हैमलेट प्ले में इस लाइन का डिस्क्रिप्शन मिलता है। ठीक है, 130 क्वेश्चन, वी वेरी देन
बेस्ट सेफ्टी लाइज इन फियर, यू टू इटसेल्फ रेबल दो नन एल्स नियर. हु इज एडवाइजिंग एंड टू होम, किसको ये एडवाइस दिया जा रहा है और कौन दे रहा है, इसका आंसर आपको देना है. बी वेरी देन बेस्ट सेफ्टी लाइज इन फियर, यू टू इटसेल्फ रेबल दो नन एल्स नियर. लियर्टीज टू ओफेलिया इन हैमलेट, लियर्टीज टू क्वीन जर्ट्रूड इन हैमलेट, ओथेलो टू डेसिमोना इन ओथेलो, वोयला इन टू ओबिलिया इन ट्वेल्थ नाइट. और 130 का जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए, लियर्टीज टू ओफेलिया इन द प्ले हैमलेट. लियर्टीज जो था वो पोलिनियस का बेटा होता है और ओफेलिया का ब्रदर होता है, और ओफेलिया को ये कोटेशन, ये लाइंस, ये स्पीच बोलता है लियर्टीज कि जो सेफ्टी होती है वो फियर में होती है, और ये एक तरीके से बिहेवियर करता है उसको ओफेलिया को हैमलेट से इस प्ले में लियर्टीज. नंबर 131 क्वेश्चन है, दैट वन मे स्माइल एंड स्माइल एंड बी अ विलन, और कहाँ पे ये लाइंस अपीयर होती है किस प्ले में, हैमलेट, ओथेलो, मैकबेथ एंड नन ऑफ दीज. बहुत ही फेमस लाइन है ये, फिर से मैं इसको इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन के फॉर्म में मैं इसको मेंशन कर देती हूँ. और 131 का जो करेक्ट आंसर है वो है हैमलेट, दैट वन मे स्माइल एंड स्माइल एंड बी अ विलन. नंबर 32 क्वेश्चन है, For there is nothing either good or bad, but thinking makes it so. Who says this? Hamlet to Rosencrantz, Rosencrantz to Hamlet, Othello to Desdemona, Player King to Queen. तो करेक्ट जो आंसर है 132 का वो है हमारा ऑप्शन ए, हैमलेट जो बोलता है रोजेनक्रेट्स, जो उसका फ्रेंड रहता है उससे ये स्पीच, ये लाइंस उसको बोलता है कि देयर इज नथिंग, कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं होता है, बट हमारी थिंकिंग जो होती है वो उसे अच्छा और बुरा बनाती है, क्योंकि हम अपनी थिंकिंग के अकॉर्डिंग किसी चीज को अच्छा कहते हैं कि हाँ ये चीज अच्छी है या ये चीज बुरी है. नंबर 32 के बाद 33 है, 133, We know what we are, but know not what we may be. ये किसने स्पीक किया है या कौन स्पीकर है इस कोटेशन का, ओफेलिया, क्वीन जर्ट्रूड, वोयला, रिया रोजालेंड. तो करेक्ट आंसर है 133 का वो है ऑप्शन ए, ओफेलिया ये स्पीच बोलती है, कोटेशन बोलती है हैमलेट प्ले में. वी नो वॉट वी आर, हमको पता है कि हम क्या है, बट नो नॉट वॉट वी मे बी, हम नहीं जानते हैं कि हम क्या हो सकते हैं, ये स्पीच है, कोटेशन है ओफेलिया का किंग प्ले हैमलेट से. नंबर 34 है, व्हेन सोरो कम दे कम नॉट ए सिंगल स्पाइस बट इन बटालियन, हु इज द स्पीकर, इसकी बात हमने कर ली है ऑलरेडी. और जो करेक्ट आंसर है यहाँ पे ये 134 का वो है हमारा ऑप्शन सी, किंग क्लॉडियस की ये स्पीच है हैमलेट प्ले से. ऑलरेडी रिपीटेड क्वेश्चन है इसमें, देयर इज डिविनिटी दैट शेप्स आवर एंड्स, हु सेज दिस, हैमलेट, होरेशियो, एंटोनी एंड ब्रूटस, किसका स्पीच है ये बताना है, और करेक्ट आंसर है हैमलेट का, ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. यूथ इज बॉट मोर ऑफ देन बेग्ड और बोरोड, हु स्पीक्स दिस, कौन ये लाइन्स बोलता है, ओलिविया बोलती है, पोर्शिया, रोजालिंड या मारिया. तो 136 का जो करेक्ट आंसर है वो हमारा ऑप्शन ए है, ओलिविया की ये स्पीच है. I will sacrifice the lamb that I do love to spite a raven's heart within a dove. Who speaks these lines? Duke Orsino, Sebastian, Ovilia, या none of these? और ये 12th night से लिया गया है ये quotation. 137 का जो correct answer है, Duke Orsino का ये speech है 12th night play में. 138 है, Better a witty fool than a foolish wit. Who speaks this? Jelks, Malvolio, Fast या Touchstone. And the correct answer we have here, 138 का वो है option A, Fish is the correct answer. Who speaks these lines? Better witty fool than a foolish wit. Number 39 question है, As flies of wanton boys, we are we gods? They kill us for their sports. फिर से हम इस line को discuss कर रहे हैं. King Lear बोलते हैं in Lear, King Lear में. ग्लॉसेस्टर की है, क्लिंगलियर से है, कॉर्डिलिया इन किंगलियर या नन ऑफ दीज, और इस कोटेशन को भी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है. तो 39 का जो करेक्ट आंसर है ये ग्लॉसेस्टर का है, किंगलियर प्ले से. नंबर 40 है, ही थिंक्स टू मच, सच मेन आर डेंजरस, दिस इज दी स्पीकिंग, हु इज स्पीकिंग एंड टू होम, कौन बोल रहा है, किससे बोल रहा है, ये कोटेशन बताना है. फिर से इंपॉर्टेंट कोटेशन है ये, ही थिंक्स टू मच, सच मैन आर डेंजरस, और ये रियलिटी भी है. तो सोचिए किस तरीके से विलियम शेक्सपियर ने जो फैक्ट से रिलेटेड चीजें हैं, जो हम डेली लाइफ में या एक ह्यूमन नेचर होता है उसको किस तरीके से अपने प्लेज में
प्रेजेंट किया हुआ है, आप इस कोटेशन के थ्रू भी समझ सकते हो कि ही थिंक्स टू मच, मीन्स जो बहुत ज्यादा सोचता है वो, ऐसे लोग बहुत ही डेंजरस होते हैं, और ये फैक्ट है। तो सीजर का है स्पीच, ये एंटोनियो को कहता है वो, एंटोनी सीजर से, क्लियोपेट्रा टू सीजर या कॉसियस टू सीजर, जूलियस सीजर प्ले से ये कोटेशन लिया गया है। और 140 का जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए, सीजर टू एंटोनी। नंबर 41 क्वेश्चन, 141, सीजर शुड बी अ बेस्ट विदाउट अ हार्ट इफ ही शुड स्टे एट होम टुडे फॉर फियर, हु अटर्स दीज वर्ड्स, पोर्शिया, कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया सीजर या नन ऑफ दीज। और 141 का जो करेक्ट आंसर है वो है सीजर का कोटेशन है, ये सीजर अपने बारे में खुद से कहता है। फेयर इज फाउल एंड फाउल इज फेयर, वेयर डज दीज लाइन अपीयर्स, ये कहाँ पे कोटेशन मिलता है, मैकबेथ, मिडसमर नाइट्स ड्रीम, हैमलेट या नन ऑफ दीज। 142 का जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, मैकबेथ प्ले में इसका मिलता है, फेयर इज फाउल एंड फाउल इज फेयर। फ्रेंड्स जल्दी जल्दी से हम क्वेश्चन को यहाँ पे वो कर रहे हैं, रीड आउट कर रहे हैं और फिर डिस्कस कर रहे हैं। आप जरूर मेंशन कर लीजिएगा अपने नोट्स में इन सभी क्वेश्चन को, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो भी करेक्ट आंसर है, और साथ ही साथ बने रहिएगा, अभी हम कुछ इंपॉर्टेंट ग्रामर के क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। जो लोग अभी वीडियो को, इस चैनल को ज्वाइन कर रहे हैं, इस वीडियो में अभी आए हुए हैं, न्यू आए हुए हैं, वो जरूर वीडियो को शेयर कर दें, लाइक भी कर दें, और आप न्यू व्यूअर्स हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। 143 question, things without all remedy should be without regard. What is done in done is done. Who said this? Lady Macduff, Lady Macbeth, Macbeth या none of these. 143 is option A. ठीक है, 143 का sorry option C हमारा correct answer है. 143 इसका करेक्ट आंसर है, मैकबेथ की ये स्पीच है, things without all remedy should be without regard. What is done is done. This speech, the quality of mercy is not strained, is of Portia from Merchant of Venice. It appears in किस act और किस scene में इस line का description मिलता है या appear होती है, और जो कि Portia की speech है Merchant of Venice से ली गई है, बहुत ही important और बार बार repeatedly ये questions पूछे गए हैं आपके exam में, तो आपको बताना है act 5th, scene 5th, act 3rd, scene 1st, act 4th, scene 1st या act 3rd, scene 3rd. And 144 का जो correct answer है वो है हमारा option C, act 4th सीन फर्स्ट की ये स्पीच है, द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेन, एक ये लेसन होता है, एक तरीके की स्पीच होती है पोर्शिया की, जो कि शाइलॉक को वो बोलती है जब लॉ कोर्ट सीन चल रहा होता है मर्चेंट ऑफ वेनिस प्ले में। 145 इज द स्पीच, फ्रेंड्स रोमन कंट्रीमैन लेंड मी योर इयर्स इज ऑफ एंटोनी, एंटोनी की ये स्पीच है जूलियस सीजर प्ले से, और किस में ये अपीयर होती है, किस एक्ट में, और करेक्ट जो आंसर है 145 का वो है हमारा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है, एक्ट थर्ड सीन सेकंड का ये स्पीच है, ये स्पीच बोली है एंटोनी ने जूलियस सीजर प्ले में। नंबर 146, द स्पीच टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन, इज ऑफ प्रिंस हैमलेट, प्ले है हैमलेट से, ये स्पीच जो बोली है हैमलेट की है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट सोलिलोक्वी है, आप इसको जरूर मेंशन कर लीजिएगा। तो बताना है आपको कि किस एक्ट में ये बोला है हैमलेट ने, जो कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सोलिलोक्वी है। तो करेक्ट आंसर जो है 146 का आप सभी ने दे दिया होगा, ये है एक्ट थर्ड सीन फर्स्ट की ये स्पीच है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिए, टू बी और नॉट टू बी, उसके बाद डाल दीजिए प्रिंस हैमलेट फ्रॉम प्ले हैमलेट, एक्ट थर्ड सीन फर्स्ट, ये मेंशन कर लीजिए अपने नोट्स में आप सभी। 147, लव्स लेबर लॉस्ट वाज रिटन इन इमिटेशन ऑफ, किसका इमिटेशन है लव लेबर्स लॉस्ट, जो प्ले है विलियम शेक्सपियर का, मॉर्लोज स्टाइल, लिली के स्टाइल को ये फॉलो करता है, चौसरियन स्टाइल को या नन ऑफ दीज। और करेक्ट जो आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी, लिली, जॉन लिली की स्टाइल को ये फॉलो करता है, फ्यूमिज्म जॉन लिली ने लिखा है, फ्यूज एक स्टाइल था जो जॉन लिली फॉलो करते थे अपने प्लेज में, अपने वर्क्स में, तो लव लेबर लॉस इज ऑन दैट स्टाइल ऑफ, इमिटेटेड द स्टाइल ऑफ जॉन लिलीज स्टाइल। नेक्स्ट नंबर 1, नंबर 148, कोरस वॉट इंट्रोड्यूस बाय शेक्सपियर इन किंग हेनरी 5th में, किंग हेनरी 6th में, रिचर्ड 2nd या मैकबेथ। और जो 148 का जो करेक्ट आंसर है वो है रिचर्ड 2nd में, कोरस का इंट्रोडक्शन दिया है शेक्सपियर ने। द विंटर्स टेल हैज नो राइम्स, राइम्स एंड कैडेंस एंड
हीरोइक कपलेट, द विंटर स्टेयर जो प्ले है वो लिखी गई है किसमें? आंसर आपको देना है नो राइम्स, बिकॉज वो जो भी मैक्सिमम प्लेज हुआ था वो पोएटिक स्टाइल में लिखते थे, ब्लैंक वर्ड्स में लिखते थे, उसमें आपको पोएटिक फ्रेज के भी मिलेगा, बट विंटर स्टेयर जो है इसमें कुछ कोई भी लाइन्स राइम नहीं करती है, जो भी विलियम शेक्सपियर ने पोएट्री यूज करा हुआ है इस प्ले में। नंबर 150, आई एम अ मैन मोर सिनर अगेंस्ट देन सिनिंग, दीज लाइन्स आर From King Lear, the speaker is, ये King Lear play से लिया गया है लाइन, I am a man more sinner against than sinning, तो ये किसकी स्पीच है आपको बताना, एडगर एडमंड या किंग लियर या नन ऑफ दीज, और 150 का जो करेक्ट आंसर है वो हमारा ऑप्शन सी है, किंग लियर ने खुद ये स्पीच बोली है किंग लियर प्ले में अपने लिए। नंबर 151, men must endure their going hence even as their coming hither. Ripeness is all. This line is from King Lear. Who is the speaker? Edgar, Edmund, King Lear, या none of these. 151 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, एडगर की ये स्पीच है। Ripeness is all कभी कभी पूछा जाता है एग्जाम में quotation, तो आपको वहां पे King Lear प्ले से अगर पूछा जाता है किस प्ले से लिया गया है तो King Lear प्ले मेंशन करना है। अगर पूछा जाएगा स्पीच किसकी है, किसने बोला है, who is the speaker, तो that was Edgar. Number तो 152 क्वेश्चन है हमारा स्क्रीन पे, द यंगर राइजेस व्हेन द ओल्ड डथ फॉल, दिस लाइन इज फ्रॉम किंग लियर, हु इज द स्पीकर, एडगर एडमंड किंग लियर या नन ऑफ दिस। 152 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, एडमंड इज द करेक्ट आंसर, एडमंड इज द स्पीकर ऑफ दिस लाइन इन द प्ले हैमलेट। 153, ओ गॉड ओ गुड हाउ वेरी हार्ड स्टेल एंड अनप्रॉफिटेबल सीम्स टू बी ऑल द uses of this word, who utters these line, Ophelia, Desdemona, Macbeth ya Hamlet, to correct answer hai 153 ka wo hai option D, Hamlet ki ye speech hai jab wo bahut zyada frustrated hota hai, disappointed hota hai by the death of his father, murder of his father, aur usko jab pata chalta hai ki uske uncle ne uski father ki death ki hai, father ko murder kiya hai aur uski maa uske uncle se shaadi kar leti hai, marriage kar leti hai, to this was the situation of disappointment and frustration jo हैमलेट प्ले में हैमलेट बोलता है अपने स्पीच के थ्रू, अपने इनर फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता हुआ है, एंड दिस इज द लाइन। नंबर 154 क्वेश्चन, द बेटर पार्ट ऑफ वैल्योर इज डिस्क्रेशन, नंबर ये है लाइन फ्रॉम कहां से ली गई, एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा, द टेम्पेस्ट, हेनरी फोर्थ पार्ट वन, नन ऑफ दीज। 154 का जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी, हेनरी फोर्थ पार्ट वन की ये स्पीच है, द बेटर पार्ट ऑफ वैल्योर इज डिस्क्रेशन। एंड नंबर 155, Who speaks the epilogue in the As You Like It? Rosalind, Celia, Orlando या Jax? किसकी स्पीच है As You Like It में जो epilogue को बोलता है इस प्ले में? नंबर 55 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, रोजालिंड, जो लीडिंग लेडी कैरेक्टर है इस प्ले की। नंबर 56 इज, देयर इज वन प्ले ऑफ शेक्सपियर, द पर्टिकुलर थिंग अबाउट दिस इज दैट इट हैज नो प्रोज एट ऑल, तो आपको बताना है कि शेक्सपियर ने प्ले लिखा हुआ है जो कि प्ले आप जानते सभी हो कि ये प्रोज फॉर्म में लिखे जाते हैं, बट एक बात है कि इस प्ले में, शेक्सपियर के उस प्ले की, जिसमें प्रोज में वो बिल्कुल भी नहीं लिखी गई है, तो आपको उस प्ले का नेम बताना है। एंड 156 का जो करेक्ट आंसर है वो हमारा ऑप्शन ए है, रिचर्ड सेकंड इज द करेक्ट आंसर, दिस इज द क्रॉनिकल प्ले बाय विलियम शेक्सपियर। 157 इज, ऑल द वर्ड इज अ स्टेज, हु अटर्स इन एज यू लाइक इट, कौन बोलता है ये लाइंस, ऑल वर्ड इज अ स्टेज, एंड जैक्स, टचस्टन या एमिनीज फेस्ट, द करेक्ट आंसर 157 का है वो है हमारा ऑप्शन ए, जैक्स की कोटेशन है, ऑल द वर्ड इज अ स्टेज। नंबर 158, व्हेन बेगर्स डाई देयर आर नो कमेंट्स सीन, द हेवंस देमसेल्फ ब्लेस फॉर द डेथ ऑफ प्रिंसेस, देन यहां पे है लाइन अपीयर होती है द टेम्पेस्ट, एंटोनी, क्लियोपेट्रा, जूलियस सीजर या नन ऑफ दीज। 158 के आंसर की तरफ चलते हैं तो वो हमारा आंसर है जूलियस सीजर, प्ले में ये लाइंस अपीयर होती हैं। नंबर 59 इज, हु इज द किंग ऑफ फेरीज इन द मिडसमर नाइट्स ड्रीम, ओबेरियन, यूलिसीज, मार्स या नन ऑफ दीज, और जो करेक्ट आंसर है 159 का वो है ऑप्शन ए, ओबेरियन इज द किंग ऑफ फेरीज इन द मिडसमर नाइट्स ड्रीम प्ले। 160 इज, Midsummer Night's Dream was to be performed on the night of Midsummer Day, June 4th. It is क्या celebrate होता है इस day पे 4th June को, Midsummer जो summer का time होता है वो
मिडसमर नाइट ड्रीम जो था प्ले था वो परफॉर्म हुआ था नाइट ऑफ मिडसमर डे जून 4th को। तो कौन सा डे था उस दिन जो सेलिब्रेट किया जा रहा था? 160 का करेक्ट आंसर है सेंट जॉन्स डे। 161 इज ओ हेल टू चूज लव, क्वेश्चन फिर से मैं देख लेती हूँ। ओ हेल टू चूज लव बाय अनदर्स आईज, हु सेज दिस? वोयला, रोजालिन, मिरांजा या हर्निया, हर्मिया। तो करेक्ट आंसर है आपका 161 का, वह है हमारा ऑप्शन जी, हर्मिया का ये कोटेशन है, ये लाइंस हर्मिया की स्पीकिंग है। द बॉटम दाउ आर्ट चेंज, व्हाट डू आई सी ऑन दी, हु सेज दिस? पॉक पेस्ट, मॉलवोलियो या स्नाउट। तो करेक्ट आंसर जो है हमारा 162 का वो है ऑप्शन डी, स्नाउट की स्पीकिंग है, ये स्पीच है बॉटम Thou art changed। और ये स्पीच जो है ये मिड समर नाइट्स ड्रीम प्ले का है, अमिड समर नाइट्स ड्रीम का, तो इसको भी आप ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट नंबर है 163। इट इज नॉट नाइट व्हेन आई डू सी योर फेस, देयरफॉर आई थिंक आई एम नॉट इन द नाइट, हु इज द स्पीकर? ओलिविया, पोर्शिया, क्लियोपेट्रा या हेलेना। तो करेक्ट आंसर जो है 163 का वो है ऑप्शन डी, हेलेना की ये स्पीच है। नंबर 64 इज डू यू सी दिस लुक ऑन हर, लुक हर लिप्स, लुक देयर, लुक देयर, हु सेज दिस? किंग लियर या कॉर्डिलिया, मारिया, एंटोनी। और 64 का जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए, लियर। डू यू सी दिस लुक ऑन हर, लुक हर लिप्स, डू यू सी दिस लुक ऑन हर, लुक हर लिप्स, लुक देयर, लुक देयर। तो इसके आंसर की हमने बात कर ली, ये है हमारा क्वेश्चन जो किंगलियर की स्पीच है, किंगलियर प्ले से। नंबर 165, अ लिटिल वाटर क्लियर्स अप द जी स्ट्रीट, हाउ इजी इज इट डन, हु इज द स्पीकर? मैकबेथ, मैकडॉफ, लेडी मैकबेथ या नन ऑफ दीज। और 165 का जो करेक्ट आंसर है वह है हमारा ऑप्शन सी, लेडी मैकबेथ का ही कोटेशन है मैकबेथ के लिए। 166 इज To be thus is nothing but to be safely thus. A, who utters these lines? Lady Macbeth, Hamlet, Horatio या Macbeth? 166 के आंसर की बात करें, that is Macbeth की स्पीच है ये, Macbeth play से। Macbeth is ripe for shaking. Macbeth is ripe for shaking. ये किसका, ये कौन कहता है? Malcolm, Macduff, Rose या none of these. And 167 is option A, Malcolm की ये स्पीच है प्ले मैकबेथ से। 168 इज द नाइट इज लॉन्ग दैट नेवर फाइंड्स द डे, दिस अटर्स बाय, कौन कहता है इस स्पीच को, या स्पीकर कौन है इसका? मैकडॉफ, मैलकॉम, रॉस या नन ऑफ दीज। 168 की बात कर लेते हैं एंड द करेक्ट आंसर वी हैव ऑप्शन सी, रॉस की ये स्पीच है। 169 है, हियर्स इज द स्मेल ऑफ द ब्लड, Still, all the perfumes of Arabia will not sweeten this little hand. Who said this line? Macbeth, Lady Macbeth, Lady Macbeth या Lady Macduff? कौन सा इसमें करेक्ट आंसर है? 169 का जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी, Lady Macbeth की ये कोटेशन है। So here we have the question number 170. Oh, what a goodly outside falsehood hath, who said this line? And options hamare paas available hai, 170 ka jo correct answer hai that is option A, Antonio in the Merchant of Venice, theek hai, Antonio ka quotation hai Merchant of Venice se, ye play se liya gaya hai. 171 question hai, all that glitters is not gold, where does this line appear? The Tempest, Hamlet, Taming of the Shrew or Merchant of Venice? और बहुत इंपॉर्टेंट स्पीच है ये, और इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी है, द मर्चेंट ऑफ वेनिस से ये लाइंस ली गई है। 172 है, फॉर वीनस स्माइल्स नॉट इन अ हाउस ऑफ टीयर्स, हु अटर्स दिस लाइन इन रोमियो एंड जूलियट? तो करेक्ट आंसर जो है 172 का वो है हमारा ऑप्शन है, पेरिस की एक लाइंस कोटेशन है, रोमियो एंड जूलियट प्ले से। 173 है, इफ द ग्रेट God's be just, they shall assist the deeds of justice man. Where does this line appear? Antony and Cleopatra, Hamlet, Twelfth Night या none of these? 73 का जो correct answer है वो है option A, Antony and Cleopatra में ये lines appear होती हैं। Number 74 है, 174, celerity is never more admired than by the negligent.
तो करेक्ट किसने बोला है ये लाइंस आपको बताना है, ऑक्टेविया, ब्रूटस, पोर्शिया या क्लियोपेट्रा। 174 का जो करेक्ट आंसर है ये बोला है क्लियोपेट्रा की लाइंस है ये। नंबर 75 भी है, द स्ट्रोक ऑफ डेथ इज एज अ लवर्स पिंच वेयर विच हर्ट्स एंड इज डिजायर्ड, हु अटर्स, क्लियोपेट्रा, पोर्शिया, बेट्रेड या मिरिंडा, मिरांडा। तो करेक्ट आंसर है 75 का, वो है ऑप्शन ए, क्लियोपेट्रा की ये स्पीच है। नंबर 76 वी हैव हियर, स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी, वेयर डज दिस लाइन अपीयर, एज यू लाइक इट, ट्वेल्थ नाइट, टेम्पेस्ट या नन ऑफ दीज। 176 के आंसर की बात कर लें तो इसका जो आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए, एज यू लाइक इट में ये लाइन्स अपीयर होती हैं। 177 है, इफ वन शुड बी प्रे हाउ मच द बिटर टू फॉल बिफोर द लायन than the wolf, where does this line appear, 12th night, Antony, Cleopatra, Tempest ya none of these। 177 का जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए, 12th night में ये लाइंस अपीयर होती हैं। 178 का है, ब्यूटी प्रोवोक्ड थीव्स सूनर देन गोल्ड, दिस लाइन अपीयर्स इन एज यू लाइक इट, एंटोनी, क्लियोपेट्रा, द टेम्पेस्ट या none of these। 78 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, दैट इज taken from the play as you like it। 179, all your orators are dumb when beauty pleads, this line is from the rape of the Lucrece, Antonio and Cleopatra, the Tempest, yeah, none of these। 79 ke answer ki baat kare to the rape of the Lucrece is the correct answer, which is a narrative poem by William Shakespeare। Number 80 hai, 180, uneasy lies the head that bears a crown, all important speech hai ye, fir se aap dhyan dijiyega isko। तो ये लाइंस कहाँ से अपीयर होती है, कहाँ पे मिलती है, किस प्ले में इसका डिस्क्रिप्शन मिलता है, हेनरी फोर्थ पार्ट सेकेंड, एंटोनी, क्लियोपेट्रा, द टेम्पेस्ट या एज यू लाइक इट। 180 का जो करेक्ट आंसर है वो हमारा ऑप्शन ए है, हेनरी फोर्थ पार्ट सेकेंड में ये लाइंस का अपीयरेंस मिलता है, अनइजी लाइज द हेड दैट वियर्स अ क्राउन। नंबर 181 क्वेश्चन है, हु सिंग्स द सॉन्ग अंडर द ग्रीनवुड ट्री, द ब्लो ब्लो दाउ विंटर विंड इन एज यू लाइक इट, कौन सॉन्ग सिंग करता है इस प्ले में एज यू लाइक इट में, अंडर ग्रीनवुड ट्री में, जिसका लाइन्स था ब्लो ब्लो दाउ विंटर विंड, तो एमीस या जस्टन, जैक्स या नन ऑफ दिस। तो करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन ए है 181 का। और 182 की बात कर लेते हैं, विच इज सेड टू बी द लिरिकल ट्रेजिडी, लिरिकल ट्रेजेडी है विलियम शेक्सपियर की, आपको उसका आंसर देना है। और इसके आंसर की डायरेक्टली बात ही कर लेते हैं हम, तो दैट इज द ऑप्शन डी, रिचर्ड सेकंड, जो कि प्रोज फॉर्म में नहीं, पोएट्रिक फॉर्म में लिखी गई, इसमें एक भी पॉइंट प्रोज का नहीं है, लाइंस प्रोज में नहीं लिखी गई है, इसलिए इसको लिरिकल ट्रेजेडी बोला जा रहा है। विलियम शेक्सपियर का ये प्ले है रिचर्ड सेकंड क्रॉनिकल प्ले। 183, विच इज सेड टू बी द शेक्सपियर्स फर्स्ट ट्रेजेडी, आप सभी जानते हो, दैट इज टाइटस एंड Andronicus। Number 84, the speech, if music be the fool of love, play on it, the Duke Orsino from 12th night, ये speech है Orsino की, Duke Orsino की 12th night में, और ये किस act में ये appear होता है, तो वो है हमारा option C, correct answer, act first, scene first में ये lines appear होती हैं, क्योंकि इसी line से इस play का starting होता है, means this is the opening line of the play। ओपनिंग लाइन्स ऑफ द प्ले, ठीक है, आप इसको ध्यान दीजिएगा। कभी एग्जाम में इस तरीके से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि व्हाट वाज द ओपनिंग लाइन ऑफ द 12th नाइट प्ले, तो आपके पास ऑप्शंस वहां पे दिए रहेंगे, तो उसमें इफ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव प्ले ऑन इट इज बी, ये भी मेंशन होगा, तो वहां पे आप करेक्टली क्लिक करिएगा या उसको मेंशन करिएगा। नंबर 85, द स्पीच, इट मींस लाइफ की बात हो रही है, लाइफ इज अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट, full of sound and fury, signifying nothing, is of Macbeth, from the play Macbeth, it appears in, ये Macbeth की speech है, Macbeth play से, तो आपको बताना है ये किस act में appear होता है, act 4th, scene 5th, scene 1, scene 2nd, scene 3rd या scene 5th, तो 185 का जो correct answer है वो हमारा option D है, ये है act 5th, scene 5th की ये स्पीच है। 186 की बात करें, द स्पीच, एज कैन नॉट वेदर हर, नॉट कस्टम स्टेल, हर इनफाइनाइट वैरायटीज ऑफ इनबोरस, फ्रॉम द एंटोनियो एंड क्लियोपेट्रा, और ये लाइंस आपको बतानी है कि ये किस एक्ट में आपको मिल देंगी।
इस प्ले में, एंटोनियो एंड क्लियोपेट्रा में। तो 186 का जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी, एक्ट सेकेंड, सीन सेकेंड की ये स्पीच है। और चलिए फ्रेंड्स कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बात कर लेते हैं इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड। यहाँ से हमारा इंग्लिश ग्रामर का पार्ट जो है वो स्टार्ट हो रहा है, तो आप सभी तैयार हो जाइए ग्रामर के सेशन के लिए। और ग्रामर के आज के सेशन में हम इडियम एंड फ्रेजेस की कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आपको बताना है उसका मीनिंग क्या है। जैसे यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन को बात कर लेते हैं, ऑन दी कार्ड्स, ऑन दी कार्ड्स ये हमारा idiom है। आपको बताना है कि इसका मतलब क्या होता है, ऑन दी कार्ड्स जो एक फ्रेज दिया गया है इसका मतलब क्या होगा। टू रन अवे, एंटिसिपेटेड, सेटिस्फैक्शन या सैंक्शन। और ऑप्शन क्वेश्चन नंबर वन का जो करेक्ट आंसर है वो हमारा ऑप्शन बी है, एंटिसिपेटेड इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस idiom। नंबर सेकेंड है बोन ऑफ कंटेंशन। बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब क्या होता है, ये जो फ्रेज दिया गया है, idiom दिया गया है, बोन ऑफ कंटेंशन, पॉइंट ऑफ एन आर्ग्यूमेंट, वर्थलेस, विदाउट एनी हेजिटेशन या टू सक्सीड। और सेकेंड का जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए, पॉइंट ऑफ एन आर्ग्यूमेंट। नंबर थर्ड भी है टॉक थ्रू वंस हैट। टॉक थ्रू वंस हैट का ये idiom है, कौन सा इसका करेक्ट इसका इंग्लिश मीनिंग होगा आपको बताना है। टॉक गुड पॉइंट्स, टू टॉक सीक्रेटली, टॉक पॉजिटिवली, टॉक नॉनसेंस। तो करेक्ट आंसर है टॉक थ्रू वंस हैट मीन्स ये आपको बताया जा रहा है इसका जो करेक्ट है टॉक नॉनसेंस, ये इसका इंग्लिश मीनिंग हुआ। नंबर फोर्थ वी हैव हियर द लायंस शेयर। द लायंस शेयर का जो मतलब होगा उसको आपको बताना है, इसका मीनिंग क्या होगा इंग्लिश में। ये जो idiom है द बिगेस्ट पार्ट, द स्मॉलेस्ट पार्ट, इक्वल पार्ट या गेट नथिंग। और फोर का जो है वो हमारा ऑप्शन ए, लायंस शेयर की बात हो रही है। लायंस शेयर में आपका जो होगा वो बिगेस्ट पार्ट आएगा। This is the meaning in English. Number five we have to die in harness. Die in harness का क्या मतलब होता है? Die early, die after doing work, to die while in duty, die peacefully. तो correct answer है जो वो option C है हमारा, to die while in duty. तो आपको ये बहुत ही important हमारा एक idiom है जो कि exam में बहुत बारी से related questions भी आ चुके हैं। Five के बाद हम question number six की बात कर लेते हैं। Once in a blue मून, आप सभी इसके आंसर को जानते होंगे। फ्रिक्वेंटली इसका मतलब होता है वेरी रेयरली या समथिंग इंटरेस्टिंग, वेरी कॉमन। तो करेक्ट जो आंसर है वो हमारा ऑप्शन बी है, वेरी रेयरली। ऑल एट सी समथिंग ये हमारा idiom है, ऑल एट सी, एंड बताना है समथिंग आउटस्टैंडिंग, फॉरगिव ऑल, स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, लिविंग इन लग्जरी। तो सेवन का जो करेक्ट आंसर है वो हमारा है ऑप्शन सी, स्टेट ऑफ confusion. Number 8 we have here, bite the bullet, to get someone drunk, talking nonsense, fight with others, face unpleasant situation. 8 ka jo correct answer hai wo hamara hoga, face unpleasant situation is the correct answer. Aur number 9 we have here, beat around the bush. Iska aapko meaning batana hai, jo correct meaning hai in options mein se. Beat around the bush jo ek idiom hai, isme kya meaning hoga English ka? Avoid coming to the point, run away, deduce from the fact, या likely to happen soon. तो correct answer है question number 9 का जो वो option है, avoid coming to the point. Number 10 we have hands over fist. Hand over fist का जो meaning होगा वो क्या होगा idiom का? Get panic, state of high alert, quickly and continuously, get comfortable. 100 और ये 10 question का जो grammar है हमारा उसका जो correct answer है quick and continuously. नंबर 10 के बाद 11 क्वेश्चन है, कीप योर आईज पील्ड, कीप योर आईज पील्ड, दिस इज द idiom। और इसका आंसर आपको देना है कि इस idiom का इंग्लिश मीनिंग क्या होगा। टू वॉच केयरफुली, सर्चिंग समवन, लुकिंग फॉरवर्ड या रनिंग अवे। 11 इज द करेक्ट आंसर, वी हैव टू वॉच केयरफुली इज द करेक्ट आंसर। नंबर 12 वी हैव गेट वंस फीट वेट। गेट वंस फीट वेट का जो मतलब होगा इस idiom का उसको आंसर आपको करना है इन ऑप्शंस में से, टू बिकम सीरियस, टू अंडरस्टैंड करेक्टली, टू क्रिटिसाइज या टू बिगिन सेलिंग गेनिंग एक्सपीरियंसेस। तो आपको जो 12 का जो करेक्ट आंसर है वो हमारा ऑप्शन डी है, टू बिगिन गेनिंग एक्सपीरियंस इज द करेक्ट आंसर, गेट वंस फीट वेट। नंबर 13 वी हैव इन हॉट वाटर, फ्रेंडशिप, ट्रबल विद समवन, आर्गुमेंट विद समवन या इररेगुलर। 13 का जो करेक्ट आंसर है वी हैव हियर ट्रबल विद समवन। नंबर 14 वी हैव विट बिहाइंड द ईयर्स,
अनडिसाइडेड, ऑब्जर्व वेरी क्लोजली, इनएक्सपीरियंस्ड या इरेगुलर। 14 का जो करेक्ट आंसर है वो हमारा ऑप्शन सी है, इनएक्सपीरियंस्ड, वेट बिहाइंड द ईयर्स। एंड वी हैव हियर नंबर फॉर 15 इडियम, और ये क्वेश्चन है विद फ्लाइंग कॉलर्स। इसका जो इडियम है इसका मीनिंग क्या होगा इंग्लिश में आपको बताना है। फ्लाइंग, फ्लाई हाई, डूइंग एक्सेप्शनली वेल, कलरफुल या वर्क वेरी हार्ड। और विद फ्लाइंग कॉलर्स का जो मतलब होता है वो होता है डूइंग एक्सेप्शनली वेल। दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 15। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने विलियम शेक्सपियर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए और साथ ही साथ इंग्लिश ग्रामर में idiom and phrases का पार्ट भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया। वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और कितने क्वेश्चंस आपने करेक्टली अटेम्प्ट किया है ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।